हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स। चैप्टर थर्ड चल रहा है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्केलर पॉलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। स्केलर पॉलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है? आपने एक्स में पॉलिनोमियल पढ़ी होंगी। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन एक्स। यहाँ पे जो एक्स है वेरिएबल, ठीक है, एंड ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए नॉट आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, देन पॉलिनोमियल हमारे पास कितने डिग्री की, हाइयर पावर ऑफ एक्स चेक करते हैं हम। एक्स रेज टू पावर एन इज द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो कंडीशन ये आनी चाहिए कि जो इसका कॉफिशियंट है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, देन वी कॉल एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अगर इसका कॉफिशियंट जीरो हो गया दैट मीन्स पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पॉलिनोमियल एन माइनस वन डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, ये तो होती है स्केलर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। जैसे हमने एक्स की पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए, स्केलर पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए एक्स में, सेम टू सेम हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स ले रखे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन ए इंटू एक्स ए वन और ये आ जाएगा ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री जितने भी हैं वेयर ए एन ए एन माइनस वन अप टू सॉन ए वन एंड ए नॉट, दीज आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दीज आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ये सारे की सारी मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर सबका सेम रहेगा। ठीक है, देन हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी मैं सेकेंड पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं एफ ऑफ वाई बी एन वाई रेज टू पावर एन बी एन माइनस वन वाई रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन कॉमा जाएंगे यहाँ पे, अच्छा नहीं प्लस, ठीक है प्लस अप टू सॉन बी वन इंटू वाई प्लस बी नॉट, वेयर बी एन माइनस वन b1 and b0, these are the matrix of the same order। then हम ये कह रहे हैं कि fx equal to fy, यानी दो polynomial equal कब होती है, if and only if highest power of x, ये check करेंगे हम। देखो यहाँ पे highest power of x n है, यहाँ पे highest power of variable यानी y की power n है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं दोनों polynomial equal कब होंगी, जब इनके coefficients equal आ जाएंगे, an equal to बी एन आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको एक्स में भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हमें सिर्फ कोफिशियंट दिखाने हैं। दो पॉलिनोमियल इक्वल तब माने जाते हैं जब उनके हाईएस्ट पावर सेम हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, यानी एन डिग्री की यहाँ पे है तो एन डिग्री की यहाँ पे होनी चाहिए, और इनके कोफिशियंट अगर इक्वल आ जाते हैं तो पॉलिनोमियल हमें इक्वल मिल जाता है। स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, हमने अभी पढ़ा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और स्केलर पॉलिनोमियल, ये एक्स में होती है, ये हमारी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होती है। अब हमने कहा स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इफ आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मीन्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए एन ए एन माइनस वन अप टू सॉन ए वन ए नॉट आर स्कैलर्स. देन वी कैन एक्सप्रेस द स्कैलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एज, कैसे लिखेंगे, ए एन आई इंटू एक्स रेज टू पावर एन. पॉलिनोमियल बनानी है तो एक्स वेरिएबल आएगा, ए एन इंटू आई एन आइडेंटिटी प्लस ए एन माइनस वन आई एक्स रेज टू पावर एन, और ये आई हमारे पास सेम ऑर्डर के चलेंगे, प्लस अप टू सॉन ए वन आई इंटू एक्स प्लस ए नॉट इंटू आई. दिस इज अ स्कैलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी रख सकते हो. अगर हम आइडेंटिटी रखेंगे, मान लीजिए कि हमने ले लिए एन ऑर्डर की, ठीक है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, जीरो अप टू सॉन जीरो, जीरो ए एन अप टू सॉन जीरो, ये चलता रहेगा हमारा, दिस इज ज़ीरो ज़ीरो ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन. ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ए एन माइनस वन अप टू सॉन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, ये चलता रहेगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एन माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन आएगा, प्लस अप टू सॉन ए वन इंटू आई, ए वन इंटू आई मतलब ए वन ज़ीरो 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 ए वन अप टू सॉन ज़ीरो, दिस आर कंटिन्यूइंग लाइक दैट ए वन इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में ए नॉट, इसको हम यहाँ पे ए नॉट को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ए नॉट ज़ीरो ज़ीरो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्कैलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है, दिस इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटीज चल रही है और इन कॉन्स्टेंट्स को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बनेगी आपके पास स्कैलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. इफ ए बी एन 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 एथ ऑर्डर मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर गिवन है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, ओवर ए फील्ड एफ, देन एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट द मोस्ट एन माइनस वन. देखिए, ये हमें गिवन है कि मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, हमें प्रूव करना है पॉलिनोमियल ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. ए माइनस लैम्डा हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसका अगर मैं एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेती हूँ, देन ये जो हमारे इसकी जो पॉलिनोमियल निकल के आएगी, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ दिस ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन. यानी अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की पॉलिनोमियल बनाते हूँ, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री एन माइनस वन होगी. ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस लैम्डा को एक बार छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर ए आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल हम 3 क्रॉस 3 ले लेते हैं, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू, सेम टू सेम थर्ड रो, अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम कोफैक्टर की हेल्प लेते हैं, और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम, कोफैक्टर फाइंड आउट करके उसकी मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं. तो यहाँ से अगर मैं कोफैक्टर देखती हूँ, कोफैक्टर अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ ऑफ ए वन वन, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जिस भी ये रो और कॉलम में है उसको हम स्किप कर देते हैं, और बाकी जो नंबर बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट होता है माइनस वन रेज टू पावर, ये तो चलता ही है. यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री,
अगर मैं कोफैक्टर निकालती हूँ 3x3 मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का, तो मेरे पास आ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। समझ गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 और कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, वो आ रहा है हमारा 2x2। दैट मीन्स अगर हमारे पास मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है और इसका इसमें एडजॉइंट के लिए मैं अगर कोफैक्टर निकालूंगी तो वो कितने ऑर्डर का होगा, एन माइनस वन ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट अगर हम देखें, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इसकी पॉलीनोमियल चेक करती हूँ, तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसमें अगर हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की पॉलीनोमियल, तो वो हमारी बनेगी 2x2, यानी एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए, ए माइनस लैम्डा आई का हमें फाइंड आउट करना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन। वो हमने कैसे पता किया, क्योंकि अगर हम एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, अगर एन क्रॉस एन की है तो एक डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ये पता चल गया कि इसमें जो पॉलीनोमियल आप बना रहे हो तो ये एन माइनस वन डिग्री की हो सकती है। ठीक है, देन ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन। ठीक है, देन वी कैन राइट टू द पॉलीनोमियल एडजॉइंट ऑफ ए, वी कैन राइट ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एज, यहाँ से अगर मैं इसकी पॉलीनोमियल फाइंड आउट करती हूँ तो बी, यहाँ पे हमें अभी बताया गया कि हर एक नंबर जो वो n माइनस वन डिग्री का हो सकता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एडजॉइंट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की अगर मैं पॉलीनोमियल बनाऊँगी तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा b नॉट प्लस बी वन इंटू लैम्डा प्लस बी टू इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस अप टू सॉन बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस। ठीक है, तो इसकी जो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की जो पॉलीनोमियल बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास एट मोस्ट एन माइनस वन डिग्री। थ्योरम है कैले हैमिल्टन थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप लेते हो तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए प्रूफ देखिए इसका कैसे करना है। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, देन अभी जो हमने थ्योरम की थी, अगर ए का ऑर्डर है एन क्रॉस एन, ओके, तो इसकी, चलो सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कैसे निकालते हैं भाई, इज ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एक्सप्रेस्ड एज कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, पॉलीनोमियल बना लेते हैं हम इसके, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ए एन लैम्डा एन
a n minus 1 lambda n minus 1 plus up to so on a 1 lambda plus a naught. ठीक है, ये हमने ले ली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, अभी हम जो लास्ट थ्योरम हमने किया वो अप्लाई करते हैं कि अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है देन एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई दिस इज द इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस वन. अभी हमने की थी कि अगर a का ऑर्डर n क्रॉस n है तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री होगी इससे एक कम, मीन्स n माइनस वन. ठीक है, तो इसकी हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, इसकी पॉलिनोमियल हम एज्यूम करते हैं b, जैसे हमने इसको लिया है a n, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिए हैं क्योंकि हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनानी है ऑफ डिग्री n माइनस वन की. तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, b1 lambda n माइनस वन, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में बना रहे हैं और डिग्री हमारी n माइनस वन है, दैट मीन्स लैम्डा की पावर n माइनस वन होगी, प्लस b2 lambda n माइनस टू, प्लस अप टू सो ऑन b n माइनस वन, b n माइनस वन लैम्डा प्लस b नॉट, वेयर जो ये ली हमने मैट्रिक्स b1 b2 अप टू सो ऑन बी एन माइनस वन, या फिर ये बी एन आएगा यहाँ पे बी एन आर मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, सारी जो मैट्रिक्स ली हमने एन क्रॉस एन ऑर्डर के लिए. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड. नाउ हमारे पास एक रिजल्ट होता है a into adjoint of a, adjoint of a, इसका हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a into identity, यहाँ पे हम मैट्रिक्स a को रिप्लेस कर लेते हैं a माइनस लैम्डा i से. ठीक है, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, a माइनस लैम्डा i into adjoint of a माइनस लैम्डा i, this is equal to determinant of a minus lambda i into i. ठीक है, this is the third equation. देखिए first equation की हमारे पास a minus lambda i की value है, second equation में हमने क्या निकाला, second equation is this, ये second equation है, यहाँ से हमने निकाला adjoint of a minus लैम्डा आई की वैल्यू. ठीक है, तो ये वैल्यू सेकंड वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं. ठीक है, देन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसकी वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन से उठाते हैं, दिस इज बी वन लैम्डा एन माइनस वन, b2 lambda n minus 2 plus up to so on bn minus 1 lambda plus bn. ठीक है, ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, दिस इज ये आ जाएगा an into lambda n plus an minus 1 lambda n minus 1 plus up to so on a1 lambda प्लस ए नॉट. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी. ओके, नाउ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट हैंड साइड की, ए माइनस लैम्डा आई, पहले हम ए के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, फिर हम लैम्डा के साथ करेंगे. ठीक है, तो ए से जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो ये आ जाएगा आपके पास ए इंटू बी वन लैम्डा एन माइनस वन. ठीक है, प्लस ए इंटू बी टू लैम्डा एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए इंटू बी एन माइनस वन लैम्डा प्लस ए बी एन. नेक्स्ट इज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस लैम्डा आई से. ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करते हो तो लैम्डा की पावर यहाँ पे वन, यहाँ पे एन माइनस वन. ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा और आई इंटू बी वन, आई इंटू बी वन करेंगे, बी वन इज अ मैट्रिक्स, आई इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा हमारा बी वन.
ठीक है, लैम्डा की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे करेंगे माइनस ऑफ, माइनस के आएंगे सारी, लैम्डा एन माइनस वन हो जाएगा अप टू सॉन। यहाँ पे करेंगे तो बी एन माइनस वन लैम्डा की पावर, लैम्डा और लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ठीक है, तो एक ऐड हो जाएगी इसके अंदर, लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस लैम्डा इंटू बी एन, समझ गए, लैम्डा इंटू बी एन ये आ जाएगा। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू चलती रहेगी हमारी राइट हैंड साइड, ये एज इट इज चलती रहेगी इधर से, ओके। नाउ इसमें हम कोफिशेंट इकट्ठा कर लेते हैं, लैम्डा रेज टू पावर एन, ओनली वन नंबर है हमारे पास, तो इसको मैंने लिख लिया माइनस बी वन लैम्डा रेज टू पावर एन, लैम्डा की पावर एन माइनस वन यहाँ से और एन माइनस वन ये, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एन माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज ए बी वन माइनस बी टू लैम्डा की पावर एन माइनस वन, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट हमारे पास आएगा एन माइनस टू वाला, तो ये आ जाएगा ए बी टू माइनस बी थ्री लैम्डा की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन। लास्ट में देखते हैं हम लैम्डा एंड लैम्डा ये इकट्ठा कर लेंगे, स्क्वायर वाली से पहले की टर्म आ जाएगी, तो यहाँ से अगर हम बी एन वाली ये वाली टर्म है और एक बी एन वाली दिस, लैम्डा और लैम्डा की मल्टीप्लाई किसके साथ है, ये और ये, इन दोनों टर्म्स में से हम लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन लैम्डा कॉमन, और ये टर्म हमारी लास्ट में अकेली रह जाएगी ए बी रेज टू पावर एन, और इक्वल चलता रहेगा राइट हैंड साइड, समझ गए। अब देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चल रहा है ए एन लैम्डा रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन ए वन लैम्डा प्लस ए नॉट, ठीक है। ये दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, यहाँ से हम लैम्डा रेज टू पावर एन के कोफिशियंट कंपेयर कर लेते हैं, लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस वन के अप टू सॉन लैम्डा के एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे, इक्वेट इक्वेटिंग द कोफिशियंट लैम्डा रेज टू पावर एन लैम्डा एन माइनस वन अप टू सॉन लैम्डा एंड कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी वन लैम्डा रेज टू पावर के कोफिशियंट कंपेयर कर रहे हैं, इधर से आ जाएगा इक्वल टू ए एन, ठीक है। नेक्स्ट हम एन माइनस वन टर्म्स के करते हैं, ए बी वन माइनस बी टू दिस इज इक्वल टू, इधर से लैम्डा एन माइनस वन की ए एन माइनस वन, ठीक है। देन एन माइनस टू का देखेंगे तो यहाँ से, या फिर दो ही कर लो और करना चाहो तो नेक्स्ट भी कर सकते हो, ए बी टू माइनस बी थ्री ये आ जाएगा ए एन माइनस टू अप टू सॉन। लास्ट में लैम्डा का जो कोफिशियंट आएगा ना, ये लैम्डा का कोफिशियंट हमारा यहाँ पे और इधर से ए वन, तो ये आ जाएगा ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन दिस इज इक्वल टू ए वन, ठीक है। और कॉन्स्टेंट टर्म ए बी एन इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ लिख देती हूँ ए बी एन इक्वल टू ए नॉट। अब ये जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं, दीज आर इक्वेशंस जो हमने कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाले हैं, इनको हम कर लेते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सॉन ए रेज टू पावर वन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। इनको हम इन नंबर से प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशंस देखिए कितनी है, ए एन एन से ए एन यहाँ पे, और एक नंबर ये भी है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे आएगा, अगर दिख रहा है यहाँ पे आपको तो यहाँ से देख लेना, ये यहाँ पे आएगा, नहीं अगर शो हो रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। अब इनको प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑल इक्वेशंस को, फर्स्ट को करना है रिस्पेक्टिवली, लिख देते हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली ऑफ ऑल इक्वेशंस, तो इनको सबसे पहले हम ए एन से करेंगे फर्स्ट को, यानी इसको मैं कर रही हूँ ए की पावर एन से, तो प्री मल्टीप्लाई बोला है ए एन बी वन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन ए एन, ए एन इज अ कॉन्स्टेंट तो इसको आप इधर उधर लिख सकते हो। सेकंड को करेंगे ए की पावर एन माइनस वन से, तो ये आ जाएगा ए
बी वन प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एन माइनस वन से, ए एन माइनस वन इंटू ए इंटू बी वन, ये नेक्स्ट वाली है आपके पास, दिस इज ठीक है, माइनस ए एन माइनस वन बी टू, दिस इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस वन, ठीक है। ऐसे ही थर्ड को करेंगे ए एन माइनस टू से, ए एन माइनस टू इंटू ए इंटू बी टू माइनस ए एन माइनस टू इंटू बी थ्री, ए एन माइनस टू इंटू ए की पावर एन माइनस टू, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे ऐसे। लास्ट में हमारे पास लास्ट सेकेंड को करना है ए से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए बी एन माइनस वन माइनस ए बी एन इज इक्वल टू ए इंटू ए वन, एंड लास्ट में हमें आइडेंटिटी से करना है, तो आइडेंटिटी इंटू ए बी एन दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए नॉट, ठीक है। अब हमें इनको वर्टिकली ऐड कर देना है, वर्टिकली मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाले को इकट्ठा ऐड कर लेंगे और राइट हैंड साइड वाले को अलग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए, थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, ए एन इसको सॉल्व करते हैं तो ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर वन ऐड हो जाएगी, ए की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी प्लेस पे आ जाएगा ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन बी वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन बी टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे स्टेप कैंसिल होते जाएंगे, बी एन माइनस वन, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा कैपिटल ए है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ए, ये ठीक कर लेना भाई, ए बी एन जो अलग से बचा था ना ए बी एन, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्मॉल ए नहीं है, कैपिटल ए है, ये आ जाएगा कैपिटल ए, आइडेंटिटी इंटू ए इज ए, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाले पहले वाले से कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू ये वाले, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी पूरी की पूरी जीरो आ जाएगी, कैंसिल हो गया, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐड करते हैं ए एन माइनस वन, यहाँ सॉरी यहाँ से, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ला सकते हो, ए एन प्लस नेक्स्ट को ऐड करेंगे एन माइनस वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए ए वन इंटू ए प्लस आ जाएगा लास्ट में ए नॉट, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया तो जीरो इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो जो स्टार्टिंग की फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने रफ कर दिया आपके पास, पीछे रिवर्स करके देख लेना, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ले रखी थी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल वाली ए माइनस लैम्डा आई वाली, ठीक है, वहाँ पर हमने लिया था ए एन लैम्डा रेज टू पावर एन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए लैम्डा प्लस ए नॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए लैम्डा के प्लेस पे ए आ रहा है, मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लैम्डा की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस वन, ए वन लैम्डा ए वन ए प्लस ए नॉट, ठीक है। दैट मीन्स ए सेटिस्फाइज, ये क्या थी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसके बेस्ड कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड कंप्यूट ए इनवर्स, ये भी बताएंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, अभी हमने कहा था कि कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी निकालिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होती है भाई, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। नाउ ए माइनस लैम्डा फाउंड आउट करेंगे हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो माइनस लैम्डा हो जाएगा जीरो वन थ्री, वन माइनस लैम्डा जीरो, माइनस टू वन फोर माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें लैम्डा में इक्वेशन निकाल देंगे, यानी इसको हम एक्सपेंड कर देंगे कॉरस्पॉन्ड फर्स्ट रो, माइनस लैम्डा इंटू वन माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस लैम्डा, ठीक है।
एंड माइनस ज़ीरो, ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो ही हो जाएगा, प्लस वन इंटू थ्री, इंटू थ्री इज थ्री, थ्री इंटू वन इज थ्री, माइनस माइनस टू प्लस हो जाएगा, तो टू माइनस टू लैम्डा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इक्वल टू ज़ीरो माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर की, फोर और फोर ये और वन ये, तो ये आ जाएगा थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, फोर फोर लैम्डा और माइनस लैम्डा इज अ फाइव लैम्डा आएगा भाई, क्योंकि ये भी माइनस का बनेगा, एंड प्लस थ्री वन माइनस टू लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस फोर लैम्डा प्लस ट्वेंटी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस वन माइनस टू लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, माइनस फोर लैम्डा एंड लैम्डा इज अ फाइव लैम्डा, ठीक है। नाउ माइनस लैम्डा क्यूब, फिर स्क्वायर वाली क्वांटिटी लैम्डा स्क्वायर, माइनस फोर लैम्डा एंड माइनस टू लैम्डा इज अ सिक्स लैम्डा प्लस वन कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालना चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, अगर हम माइनस निकालते कॉमन तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्वेंटी लैम्डा स्क्वायर प्लस सिक्स लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हमें वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम को, मीन्स जो आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ, कब सेटिस्फाई करेगी, इफ ए क्यूब माइनस, जहाँ जहाँ पे भी लैम्डा है ना वहाँ पे ए पुट कर देंगे, माइनस ट्वेंटी ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास नंबर क्वांटिटी गिवन है इसको सॉल्व करके आंसर हमारा ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। मीन्स हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए क्यूब, ए क्यूब मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, तो इससे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए, और ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए की ए से मल्टीप्लाई, और ए मैट्रिक्स ये गिवन है तो आप यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, फिर आप ए क्यूब फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो लंबा टाइम कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, ओनली मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे पुट करना है, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर इसका आंसर ज़ीरो आता है दैट मीन्स मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। फिर हमें निकालना है इसका ए इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये इक्वल आना चाहिए जीरो के, इक्वल टू राइट हैंड साइड के, हमारे पास आई है जब ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, ट्वेंटी ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हम प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ए इनवर्स से, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस ट्वेंटी इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर सिक्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो, ए इनवर्स ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए की पावर वन रह जाएगा, एक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगी, प्लस यहाँ से हमारे पास सिक्स इंटू आइडेंटिटी बच जाएगा आइडेंटी मैट्रिक्स माइनस ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो, अकेला सिक्स नहीं बचेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है ना कि वन होता है, बिकॉज दीज आर द मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, यानी ए इनवर्स को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ए इनवर्स इज अ प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए प्लस सिक्स आइडेंटिटी, ये आ जाएगा मेरे पास ए इनवर्स। ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके होंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ट्वेंटी इंटू ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, माइनस ट्वेंटी इंटू ए मैट्रिक्स यहाँ पे रखेंगे, ए मैट्रिक्स जैसे आपके पास की बने ज़ीरो ज़ीरो वन थ्री वन ज़ीरो माइनस टू वन फोर, ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी, प्लस सिक्स इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी आपको थ्री क्रॉस थ्री की लेनी है, ज़ीरो ज़ीरो
वन, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज द ए इनवर्स। तो इस तरह से आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, रिपीट करवा देते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी, आपको प्रूव करना है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा के प्लेस पे हम मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे। ठीक है, अब जो इक्वेशन आएगी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा जीरो आना चाहिए, मीन्स राइट हैंड साइड आने चाहिए। अगर इसका आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी जीरो आ जाता है, देन जो आपके पास है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए रेज टू पावर सिक्स वेयर ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है दिस। ठीक है, तो आप ये कैले हैमिल्टन थ्योरम ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हो। तो हमें कैले थ्योरम का यूज़ करना है यहाँ पे। फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, मीन्स माइनस टू माइनस लैम्डा, फाइव वन टू माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज माइनस कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, टू प्लस लैम्डा टू माइनस लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, यानी माइनस फोर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज माइनस फोर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन देंगे या इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, ये हमारी क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि हमें कैले का यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए सिक्स, तो इसमें ये कैसे हेल्प करेगा, हम बोथ साइड कर लेते हैं, क्यूब नाइन क्यूब, यहाँ पे पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई लेते हैं, ए रेज टू पावर सिक्स इज नाइन रेज टू पावर थ्री, दिस इज़ द आंसर ऑफ ए रेज टू पावर सिक्स। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अदरवाइज हम ए सिक्स कैसे निकालते, ए की छः बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वहाँ से मल्टीप्लाई करने से बेटर हम, अगर यहाँ में बोला जाएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम से करो, तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करवाएंगे, और आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, ए मैट्रिक्स गिवन है, कंप्यूट द मैट्रिक्स बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, थ्री ए टू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब ए फोर ए फाइव। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैले का यूज़ करके, कैले थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ वन माइनस लैम्डा रूट टू माइनस रूट टू माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इसका माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और माइनस माइनस इज अ प्लस, इसके इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो टू। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें, यहाँ से अगर मैं ए क्यूब निकालूँ, ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर कैले हैमिल्टन थ्योरम इसका सेटिस्फाई करवाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ये वन है, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स सेटिस्फाई करवाई है, ये चीज़ ध्यान रखना है, शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक किया, इसको रिमूव कर लेना भाई,
लास्ट में हमारे पास क्या आया था, लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, शायद ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स और नंबर के साथ आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू आइडेंटिटी, ये ठीक कर लेना भाई लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ए सेटिस्फाई करवाते हैं तो 1 इंटू आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं माइनस आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ अगर हमें ए क्यूब फाइंड आउट करना हो, ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू है माइनस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना कि 1 है, ये चीज़ ध्यान देनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी रिमूव करना है आपको इंटू ए, यानी ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम हम ए फोर की निकालेंगे, ए फोर की वैल्यू ए क्यूब इंटू ए, दिस इज माइनस ए क्यूब की वैल्यू माइनस ए इंटू ए, दिस इज माइनस ए स्क्वायर, और हमें ए फाइव की चाहिए तो ए फोर इंटू ए कर देंगे, और ए फोर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, विच इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी की वैल्यू, मेन हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3a माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस 5a रेज टू पावर 4 प्लस a रेज टू पावर 5, दिस इज इक्वल टू 3a, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, a क्यूब की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं माइनस, और माइनस a रखेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है। a4 की वैल्यू माइनस a स्क्वायर रखेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस a स्क्वायर, और a5 की वैल्यू रखेंगे माइनस का ए क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से, ए और 3a, 4a, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर प्लस का 5a स्क्वायर, ये बच जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस ए क्यूब, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर इज माइनस आइडेंटिटी, ये आ जाएगा 4a, इसकी जगह पे हम रखेंगे माइनस आइडेंटिटी, माइनस ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे माइनस ए, व्हिच इज प्लस ए, 4a एंड a इज़ अ 5a माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें गिवन है 1 रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 एंड माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी 1001, ओके। 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको तो 5, 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 माइनस 5, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं एनी कॉन्स्टेंट से, तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, हर एक नंबर से, यहाँ से आ जाएगा 3003। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 3 इज 2, 5 रूट 2, दिस इज माइनस 0 एज इट इज़ रहेगा, एंड माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8, दिस इज़ योर आंसर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, यूज कैले हैमिल्टन थ्योरम टू एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे क्या दे रखा था कि बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो ए में क्वेश्चन ये दे रखी थी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो फैक्टर दे रखा है इसको लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, मीन्स हमें ए की पावर 1 तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी और लास्ट में हमारे पास ये आ गया था। अब यहाँ पे देखो ए की पावर कितनी है, 1 है, बाकी क्वेश्चन पूरे का पूरा सेम करना है, कहीं आप इसमें पजल ना हो जाओ। बाकी क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया है, एक्सरसाइज के बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट के हैं, आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि इसमें लीनियर पॉलिनोमियल इन ए दे रखा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे हमने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आई निकाली है, फिर ए क्यूब की निकाली, 4 की एंड 5 की, सेम टू सेम आप यहाँ पे 5 की रखोगे 4 की रखोगे, ए स्क्वायर की आपको मिल जाएगी। जब जब रखते जाओ, जैसे हमने ए स्क्वायर की दोबारा से लगाई है, ए क्यूब की दोबारा से वैल्यू पुट की है, तो हम लास्ट में निकाल के लाए हैं कि हमारे पास ए की पावर 1 आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, समझ गए। इसमें तो हमें क्योंकि बी की वैल्यू चाहिए थी तो हमने आगे भी इसको सॉल्व किया है, अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन है दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सेम टू सेम इसी मेथड से सॉल्व करोगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे मैंने करवा दिया आपको, विद न्यूमेरिकल
जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करवाएं कैलर हैमिल्टन थ्योरम से, तो आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हो, एक्सरसाइज को भी जो अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल एंड थ्योरम्स बीएससी में आगे, क्योंकि आप प्लस टू में सिर्फ क्वेश्चन करते आते हैं बट बीएससी में आगे एग्जाम्पल एंड थ्योरम इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज भी करनी है प्रैक्टिस के लिए, तो एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है, बट एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं। तो आप इसको कम्प्लीटली टॉपिक आपको कवर करना है, तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।